It was International Women's Day, और मुझे गुड न्यूज मिला था कि आई एम प्रेग्नेंट. She calls me day and night. I'm sorry, girl, you just don't make me feel right. Hello, lovely people. आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल नॉची कायरा में. So I hope कि आप सभी सेफ हैं और हेल्दी हैं अपने अपने घरों में. Please do not step out of your house if it's not necessary and wear a mask if you go outside. So करेंट कोविड सिचुएशन को देखते हुए मैंने सोचा कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू शेयर माई प्रेगनेंसी जर्नी एक्सपीरियंस विद यू ऑल बिकॉज मी एंड माई हस्बैंड वर अलोन एट दैट टाइम इन बैंगलोर और हमारे जो पेरेंट्स थे वो नेटिव प्लेस में छत्तीसगढ़ में थे एंड हमने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए और बहुत सारे प्रिकॉशंस लिए जस्ट टू हैव अ हेल्दी प्रेगनेंसी एंड अ हेल्दी बेबी. एक हेल्दी बेबी से बड़ा सुकून कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स इस दुनिया में एंड आई एम टेलिंग यू दैट विद माय एक्सपीरियंस. सो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स एंड वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स बिकॉज ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है उन एक्सपेक्टिंग मदर्स के लिए एक्सपेक्टिंग पेरेंट्स के लिए जो कि अभी अकेले हैं इस पैनडेमिक में. तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा. बात करते हैं मेरी प्रेगनेंसी जर्नी की. सो आई वॉज वेरी हैप्पी ऑन 8th of March 2020. इट वॉज इंटरनेशनल वुमेंस डे और मुझे गुड न्यूज़ मिला दैट आई एम प्रेगनेंट. सो 8th March 2020 से 8th October 2020 तक की कहानी मेरे ज़ुबानी. सो तब तक कोविड कहीं छुप कर बैठा हुआ था एंड वी वो वेरी हैप्पी एंड वी वो सेलिब्रेटिंग. लेकिन 8-10 दिन बाद सब कुछ बदल गया. एवरीथिंग चेंज्ड. हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया एंड वी वो वेरी वर्ड एंड वी वो स्केर्ड. सो माय डॉक्टर हैड प्रिस्क्राइब्ड मी अर्ली प्रेगनेंसी टेस्ट एंड कुछ ब्लड टेस्ट थे. दैट टाइम माई हस्बैंड वॉज वेरी रिस्पॉन्सिबल और उन्होंने जो भी मेडिकल बेसिक मेडिकल इक्विपमेंट्स की मुझे ज़रूरत थी थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी जर्नी वो घर पर ही अवेलेबल किया सो दैट हमें अननेसेसरीली घर के बाहर ना जाना पड़े. सो मैं आपको वो कुछ बेसिक मेडिकल इक्विपमेंट्स बताने वाली हूँ जो थ्रू आउट आपकी प्रेगनेंसी में आपको यूज़ होंगे. सो सबसे पहला जो है दैट इज़ अ ग्लूकोमीटर. तो आपके पास एक ग्लूकोमीटर ज़रूर होना चाहिए थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी. आप बार बार ब्लड टेस्ट करने के लिए बाहर मत जाइए अपने घर के. सो दैट कैन बी डन एट योर होम इटसेल्फ. ग्लूकोमीटर लीजिए. मैं वंस इन अ वीक ट्वाइस इन अ वीक चेक करती थी अपना शुगर लेवल. सो सेकेंड इज़ बीपी मशीन. सो आपको अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना रहता है. अगर आपको कभी भी वीकनेस लग रहा है या आप बहुत ही हाइपर हो रहे हैं तो ज़रूर अपना बीपी चेक कीजिए फ्रेंड्स. प्रेगनेंसी में हाई शुगर हाई बीपी या लो शुगर लो बीपी कैन अफेक्ट यू एंड योर बेबी. तो ये मॉनिटर करते रहना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी. ज़्यादा मीठा या ज़्यादा नमकीन नहीं खाना है आपको अपनी प्रेगनेंसी में. एंड फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है फ्रेंड. मेडिसिंस अवॉइड करने की कोशिश करें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में. डू नॉट हैव ड्राई फ्रूट्स. जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाए से बबाए जो पाइनएप्पल्स एंड पपायास और ड्रमस्टिक्स भी नहीं खाते हैं प्रेगनेंसी में. सो ये डूज एंड डोंट्स अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछ लें. एंड सबसे पहले तो मैंने अपने डॉक्टर का व्हाट्सएप नंबर ले लिया था सो दैट मैं उनसे कॉन्टैक्ट में रहूं. मुझे बार बार हॉस्पिटल ना जाना पड़े छोटी छोटी बातों पे. सो माय डॉक्टर वाज वेरी कोऑपरेटिव. अब तो कोविड हमारा न्यू नॉर्मल बन चुका है बट जो भी प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं जब भी हॉस्पिटल जाएँ तो डिस्पोजेबल मास्क का यूज़ करें एंड डिस्पोजेबल ग्लव्स यूज़ करें. और जैसे ही आप हॉस्पिटल से आते हैं तो जो मास्क है और जो ग्लव्स हैं उसको सेफली डिस्पोज कर दें. डू नॉट यूज़ इट अगेन एंड चेंज योर ड्रेस एंड गेट अ शावर एंड फील फ्रेश.
इस कोविड सिचुएशन में तो मतलब सैनिटाइजर को पानी से भी ऊपर बना दिया है. फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यू डोंट फील हंग्री, आपको स्मेल से प्रॉब्लम होता है, यू लूज वेट एंड आपको वॉमिटिंग्स होती हैं, यू फील डिजीनेस. तो ये सब चीज़ें आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में महसूस होती हैं. कुछ लोगों को नहीं होती हैं एंड कुछ लोगों को होती हैं. एवरी प्रेगनेंसी इज़ डिफरेंट. एंड ये जो सैनिटाइजर है इसको प्रेग्नेंट लेडीज़ को मिनिमलिस्टिकली यूज़ करना चाहिए. ट्राई टू वॉश योर हैंड्स बिकॉज जो सैनिटाइजर की जो स्मेल होती है दैट कैन ऑल्सो अफेक्ट यू एंड योर बेबी. क्योंकि जब ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उसके स्मेल सर पर चढ़ जाती है एंड यू गेट अ बैड हेडेक. तो ट्राई टू अवॉइड सैनिटाइजर्स एंड अच्छे ब्रांड्स के सैनिटाइजर्स यूज़ करिए. हिमालय हो गया, डेटॉल हो गया, जिनकी फ्रेगरेंस अच्छी हो, जो फ्रेगरेंस आपको अच्छी लगे, ऐसे सैनिटाइजर्स यूज़ करें. अननेसेसरीली बीमार पड़ना अवॉइड कीजिए बिकॉज मैंने तो पर्सनली एक्सपीरियंस किया है. मुझे बिल्कुल भूख नहीं लगती थी फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड सडनली वन डे आई वॉज वेरी सिक और मैं खड़े नहीं हो पा रही थी. हस्बैंड हैड टू एडमिट मी अर्जेंटली टू द हॉस्पिटल. और वो सिचुएशन याद करती हूँ फ्रेंड्स तो आई फील सो बैड अबाउट इट बिकॉज कोविड के चलते मेरे हस्बैंड को ना तो अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन में आने दिया. यूजुअली इन क्लाउड नाइन एंड मदरहुड आपके जो हस्बैंड है या आपकी मदर है दे आर अलाउड टू बी विथ यू इन द स्कैन. तो ये नहीं हो पाया. जब मुझे एडमिट किया तो ही वॉज नॉट अलाउड टू सी मी एंड मेरे डिस्चार्ज होने के बाद ही वॉज अलाउड टू सी मी. सो ऐसा सिचुएशन मत आने दीजिए कि आपको हॉस्पिटल जाना पड़े. अपना इतना ख्याल रखिए कि आपको डॉक्टर के बारे में सोचना भी ना पड़े इस सिचुएशन में. बिकॉज अगर आपको नॉर्मल भी कुछ प्रॉब्लम है उसके लिए भी अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं सो दैट्स वेरी रिस्की. तो आप अपना बहुत ख्याल रखिए. सो फर्स्ट सेकेंड ट्राइमेस्टर थोड़ा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा क्रिटिकल होता है बिकॉज उस टाइम पे आपके बेबी के कोर डेवलपमेंट हो रही होती है, उसका फाउंडेशन हो रहा होता है. जिस तरह किसी बिल्डिंग नींव को हम स्ट्रॉन्ग बनाते हैं तभी वो पूरी बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है, तो उसी तरह से आपके बेबी का बेस, आपके बेबी का कोर डेवलपमेंट होता है फर्स्ट और सेकेंड ट्राइमेस्टर. तो आपको अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करके रखना पड़ता है. सेकेंडली आपको रेस्ट लेते रहना है. हर 15-20 मिनट्स का रेस्ट लीजिए आफ्टर वर्किंग फॉर 1.5 आवर्स. अगर आप 1 घंटे 1.5 घंटे काम कर रहे हैं तो उसके बाद आप 20-25 मिनट्स रेस्ट कीजिए. आपको अगर लगता है कि आप थक गए हैं तो प्लीज़ रेस्ट कीजिए एंड देन यू गेट बैक टू योर वर्क. सो नथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट देन योर हेल्थ. इतना समझ लीजिए कि आपको इंटरवल्स में काम करना है. तो पूरी प्रेगनेंसी में मैंने इंटरवल्स में काम किया है कि हाँ थोड़ी देर काम किया देन आई टुक अ रेस्ट एंड देन आई गेट बैक टू माई वर्क अगेन. जैसे हम स्कूल में रहते हैं ना तो हाँ हर पीरियड के बाद एक बेल होती थी, तो वैसे ही आप बेल बना लीजिए अपने माइंड में या अपने फ़ोन में. तो ये काम कर लिया देन आई हैव टू टेक 5-10 मिनट्स रेस्ट, आई हैव टू रिलैक्स माई बॉडी. सो जो बेसिक मिस्टेक्स करती हैं लेडीज़ अपनी प्रेगनेंसी में वो तो ये है कि या तो इतना काम करेंगे या तो बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे. तो ऐसा नहीं करना है फ्रेंड्स, आपको अपनी बॉडी को इंटरवल रेस्ट देते हुए काम करना है. सो ऐसा अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि अगर आप बहुत काम करेंगे तो ही आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी या तो आप एकदम रेस्ट करेंगे तो आपका बेबी हेल्दी होगा. ऐसा कुछ नहीं है. आप अपना नॉर्मल डेली रूटीन फॉलो कीजिए एंड टेक रेस्ट. तो ये तो हो गया फर्स्ट ट्राइमेस्टर. सेकेंड ट्राइमेस्टर में देन यू कैन स्टार्ट हैविंग ड्राई फ्रूट्स एंड मिल्क एंड डॉक्टर भी आपको एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स देते हैं कैल्शियम एंड आयरन. सो ये सब स्टार्ट हो जाता है. सो पूरी प्रेगनेंसी में ना कुछ माइलस्टोन्स होते हैं. तो पहला तो एंटी स्कैन हो गया, अर्ली प्रेगनेंसी हो गया, एंटी स्कैन हो गया, देन एनोमली स्कैन इज डन इन योर सेकेंड ट्राइमेस्टर. एनोमली स्कैन इज डन इन योर सेकेंड ट्राइमेस्टर और एज माई हस्बैंड वॉज नॉट अलाउड ही वॉज सिटिंग आउटसाइड द हॉस्पिटल वेटिंग कि कब मैं बताऊँगी कि एवरीथिंग इज़ फाइन. सो आई सॉ कायरा दैट टाइम एंड शी वॉज सो एक्टिव, सुपर एक्टिव एंड ऑल द बॉडी पार्ट्स वर डेवलप्ड कम्प्लीटली. तो सो जो मेजर प्रिकॉशन हम लेते थे वो तो था कि मास्क और ग्लव्स हो गए हम यूज़ करते थे, अननेसेसरी टचिंग अवॉइड करते थे और
जितना भी लैब टेस्ट होता था वी यूज टू डू इट एट आवर होम ओनली. फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपके कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, नॉर्मल CBC ब्लड टेस्ट होते हैं. सेकेंड ट्राइमेस्टर में अगेन यू हैव टू गो फॉर हीमोग्लोबिन टेस्ट, बिकॉज हीमोग्लोबिन यू हैव टू मॉनिटर थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी. क्योंकि क्या होता है कि योर बॉडी स्टार्ट मेकिंग ब्लड फॉर योर बेबी ऑल्सो, तो आपको हीमोग्लोबिन बढ़ाना पड़ता है. यू हैव टू वर्क ऑन इट. मैंने बहुत वर्क किया था. आई यूज टू ईट अंजीर एवरी डे टू मेंटेन माय हीमोग्लोबिन एटलीस्ट. तो क्या होता है, योर ब्लड गेट्स डाइल्यूट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. तो आपका जो ब्लड है, अगर आपका ब्लड है 11 तो वो 10 हो जाएगा आपकी प्रेगनेंसी में. तो वो 10 से कम मत हो, तो आपको मेंटेन करना पड़ता है थ्रू योर डाइट. सो स्टार्टिंग ऑफ माय प्रेगनेंसी मैं वॉक पर जाया करती थी. तो आई यूज टू गो एट नाइट बिकॉज उस टाइम पे कम लोग होते थे. तो आई यूज टू अवॉइड रश या भीड़ भाड़ वाली जगह में अवॉइड करती थी. एटलीस्ट 15 to 20 minutes यू शुड वॉक इन अ डे. आपको वॉक करना ज़रूरी है थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी, तो आपकी बॉडी एक्टिव रहती है. क्योंकि आपको पता नहीं होता कि आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल होने वाली है या यू हैव टू गो फॉर अ C-section. तो ये आपको पता नहीं होता, तो डॉक्टर ज़रूर चेक करते हैं आपका ब्लड लेवल. अगर वो कम होता है तो दे टेल यू कि अपने फैमिली मेम्बर्स को बोल कर रखिए कि यू माइट नीड ब्लड. बट हमारे साथ तो सिचुएशन पैनडेमिक की थी और उस टाइम पे किसी का ब्लड लेना वॉज वेरी रिस्की. सो माई ब्लड लेवल वॉज 9.2 समथिंग. तो माई डॉक्टर सजेस्टेड कि आप इंट्रावेनस आयरन लीजिए. इट इज़ वेरी सेफ. 2 to 5 grams आपका जो हीमोग्लोबिन लेवल है दैट विल इंक्रीज इन 2 to 3 weeks. सो ये मुझे 8th month में दिया गया था. 9th month लगते ही यू नेवर नो व्हेन यू कैन डिलीवर. दैट वाज द सेफ वे फॉर मी टू इंक्रीज माय ब्लड. Suddenly on 7th of October 2020, my water bag started leaking and we immediately rushed to hospital late at night. 11 baje hum hospital gaye aur next day I delivered Kyra. 8th October 2020, I delivered my little baby Kyra. It was a thrilling experience. Bahut hi चैलेंजिंग एक्सपीरियंस था ये. बट प्रेगनेंसी एक बहुत ही खूबसूरत फेज होता है फ्रेंड. सो दिस वॉज अ समरी ऑफ माई प्रेगनेंसी जर्नी. डिटेल में बताने जाऊँगी तो बहुत टाइम लग जाएगा. सो उसके लिए मैं एक स्पेशल सीरीज बना रही हूँ जिसमें मैं प्रेगनेंसी केयर कैसे करती थी अपनी, वो सब बताऊँगी आप सबको. वॉट ऑल एक्सरसाइजेज आई यूज टू डू जो कि सेफ होते हैं प्रेगनेंसी में करने के लिए, एंड कैसे आप पोस्ट प्रेगनेंसी अपनी केयर कर सकते हैं, कैसे अपनी न्यू बॉर्न बेबी की केयर करनी है. ऑल दैट वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर. और मैं एक पूरी प्लेलिस्ट बनाने वाली हूँ एंड दैट प्लेलिस्ट आई एम गोइंग टू शेयर ऑन 8th of June 2021 बिकॉज उस दिन कायरा 8th month की हो जाएगी. मैं एक पूरा वेब सीरीज काइंड ऑफ शेयर करने वाली हूँ जिसमें मैं मेटर्निटी क्लोदिंग के बारे में, प्रेगनेंसी केयर के बारे में बताने वाली हूँ एंड हाउ टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर अ नॉर्मल डिलीवरी और अ C-section डिलीवरी. जो मेरा नॉर्मल डिलीवरी एक्सपीरियंस था एंड पोस्ट डिलीवरी एक्सपीरियंस था वो सब मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ. सो ये सारे वीडियोज़ को देखने के लिए फ्रेंड्स यू नीड टू सब्सक्राइब नॉटी गायरा. सो अगर ये आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सेफ रहिए, घर पे रहिए, वेयर मास्क व्हेनेवर यू गो आउटसाइड, मेडिटेट कीजिए, योगा कीजिए एंड नॉटी गायरा के वीडियोस देखते रहिए. बी हैप्पी, बी सेफ, टिल देन. I never meant to make you cry.